बायस्कोप की बातें। बायस्कोप की बातें आज होंगी एक सस्पेंस फिल्म को लेकर। हिंदी में सस्पेंस फिल्में बहुत ज्यादा नहीं बनी हैं, इसीलिए जैसी भी है अपनी श्रेणी की ये एक महत्वपूर्ण फिल्म है। इस फिल्म के बारे में जानकारियां बटोरी हैं शमीम निखत ने, और हमेशा की तरह आपके सामने इन बातों को पेश कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। लेकिन लोकेंद्र शर्मा की सहायता के लिए राजलक्ष्मी के साथ आशा साहनी भी मौजूद हैं। तो आइए आज एक बार फिर ताजा करें 20 साल बाद की बातें। बीस साल बाद गीतांजलि पिक्चर्स की पहली म्यूजिकल सस्पेंस फिल्म है। सन 1962 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की सिल्वर जुबली पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हेमंत कुमार ने हर यूनिट मेंबर को ट्रॉफी के तौर पर एक खूबसूरत दीवार घड़ी दी थी, जिसमें अंकों की जगह फिल्म के नाम के बारह अंग्रेजी अक्षर इस्तेमाल किए गए थे। BEES, SAAL और BAAD, ये 12 अक्षर हैं। ये घड़ी आज भी कई घरों की दीवारों पर टंगी हुई है और हर देखने वाले के दिल में इतने साल बाद भी 20 साल बाद की यादों के दीप जलाती रहती है। फिल्म 20 साल बाद के साथ ही संगीतकार हेमंत कुमार ने हिंदी फिल्मों के मैदान में निर्माता के रूप में कदम रखा था। पहले सन 1958 में वे प्रोड्यूसर की हैसियत से हेमंत बेला प्रोडक्शंस के परचम तले बंगला जबान में एक काबिले जिक्र फिल्म बना चुके थे, नील आकाशेर नीचे। नील आकाशेर नीचे के संगीतकार तो जाहिर है हेमंत कुमार ही थे, निर्देशक थे मृणाल सेन। महादेवी वर्मा के एक प्रसिद्ध संस्मरण पर बनी इस फिल्म में काली बैनर्जी, मंजू डे और विकास रॉय ने मुख्य पात्र निभाए थे। ये सन 1930 के दौर के एक चीनी हॉकर यानी फेरी वाले की जज्बाती कहानी थी। फिल्म नील आकाशेर नीचे की जबरदस्त कामयाबी से निर्देशक मृणाल सेन की पहचान बनी। खैर, हम बात कर रहे थे हेमंत कुमार और उनकी सुपरहिट म्यूजिकल सस्पेंस फिल्म 20 साल बाद की। यूं तो 20 साल बाद के अंदाज की कई फिल्में बनी हैं, लेकिन जिन फिल्मों ने अपने अपने जमाने में मिसाली शोहरत और कामयाबी हासिल की है, उनमें सबसे पहले सन 1949 में बनने वाली कमाल अमरोही की फिल्म महल का जिक्र आता है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर होने के साथ साथ कमाल अमरोही फिल्म महल के प्रोड्यूसर भी थे। इस फिल्म में अशोक कुमार और मधुबाला ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। महल का सदाबहार संगीत हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में एक खास मकाम रखता है। बगैर कैसे मन जल रहे हैं।
पहल के बाद इस मिजाज की तीन फिल्में अक्सर चर्चे में रही हैं, जिनमें एक तो 20 साल बाद है ही, इसके अलावा सन 1964 में बनी डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म वो कौन थी, सन 1965 में डायरेक्टर राजा नवाथे की डायरेक्शन में बनी गुमनाम। इन चारों फिल्मों में एक महल नुमा हवेली और बार बार बजने वाला एक गीत यानी हॉन्टिंग सॉन्ग जरूर मौजूद है, लेकिन इन चारों फिल्मों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हैं। इन फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी से प्रभावित होकर कई निर्माताओं ने ऐसी फिल्में बनाई तो जरूर, लेकिन किसी भी फिल्म को ऐसी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। हाँ, चंद हॉरर नुमा फिल्में कामयाब कही जा सकती हैं, लेकिन उनका म्यूजिकल सस्पेंस फिल्मों में शुमार करना शायद मुनासिब नहीं होगा। फिल्म 20 साल बाद के बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि यह मशहूर अंग्रेजी उपन्यास द हाउंड ऑफ द बास्करविले का हिंदी चरबा है। हाउंड का मतलब है शिकारी कुत्ता, यानी अनुवाद हुआ बास्कर हवेली का शिकारी कुत्ता। अंग्रेजी के इस मशहूर उपन्यास पर अंग्रेजी में फिल्म भी बन चुकी है और टीवी सीरियल भी। दूरदर्शन इस अंग्रेजी टीवी सीरियल को दिखा भी चुका है, शायद आपने भी इसे देखा हो। इसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि फिल्म 20 साल बाद इस कहानी से इंस्पायर बेशक थी, लेकिन इसका चरबा नहीं। बकौल लेखक देव किशन, हुआ यूं था कि सन 1961 में लेखक ध्रुव चटर्जी ने इस उपन्यास से इंस्पायर होकर एक कहानी लिखी और ये कहानी गुरुदत्त को सुनाई। गुरुदत्त को यह कहानी पसंद नहीं आई, शायद इसलिए कि यह कहानी गुरुदत्त के मिजाज के मुताबिक नहीं थी। उन दिनों की बात है ये, जब फिल्म सौतेला भाई की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म में गुरुदत्त, प्रणोति घोष, अभि भट्टाचार्य वगैरह मुख्य भूमिकाएं निभा रहे थे। लेखक देव किशन भी इस फिल्म से जुड़े हुए थे। फिल्म सौतेला भाई के आर्ट डायरेक्टर थे बीरेन नाग, जिनका शुमार बंगाल के नामवर आर्ट डायरेक्टर्स में होता था। बीरेन नाग ने ध्रुव चटर्जी की यह कहानी सुनी थी। बाद में जब संगीतकार हेमंत कुमार ने अपनी हिंदी फिल्म कंपनी गीतांजलि पिक्चर्स बनाई, तो आर्ट डायरेक्टर बीरेन नाग को डायरेक्शन का मौका देने का फैसला किया और बीरेन नाग ने उसी सुनी हुई सस्पेंस कहानी को बनाने का इरादा किया। उन्होंने अपने अंदाज से इस कहानी का आइडिया लेखक देव किशन को सुनाया। बीरेन नाग और देव किशन बहुत अच्छे दोस्त थे। उस समय देव किशन को यह बात मालूम नहीं थी कि द हाउंड ऑफ बास्करविला नामक अंग्रेजी नॉवल से उधार लिए गए इस आइडिया को ध्रुव चटर्जी पहले ही लिख चुके हैं। जब फिल्म 20 साल बाद अच्छी खासी बन चुकी, तब ध्रुव चटर्जी इस बात के दावेदार बनकर सामने आए कि लेखक के तौर पर उनका भी नाम पर्दे पर दिया जाना चाहिए। चूंकि प्रोड्यूसर हेमंत कुमार और डायरेक्टर बीरेन नाग किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए लेखक देव किशन से बात की गई और ये तय किया गया कि पर्दे पर पटकथा लेखक के तौर पर ध्रुव चटर्जी का नाम दिया जाए। निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी।
फिल्म 20 साल बाद की कहानी का जो रूप तैयार किया गया था उसमें हीरोइन का किरदार बहुत अहम था, इसलिए इस रोल में वहीदा रहमान को लिया गया। उस जमाने में वहीदा रहमान अपने कैरियर की बुलंदियों पर थी और उन दिनों चारों तरफ वहीदा रहमान के चर्चे थे। वहीदा रहमान की जोड़ी बनी बंगाल से आए नए अभिनेता विश्वजीत के साथ। कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। 20 साल बाद विश्वजीत की पहली हिंदी फिल्म थी। उन दिनों उन्हें ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता था। इसके कारण एक बार तो ऐसी नौबत भी आई कि प्रोड्यूसर हेमंत कुमार ने उन्हें बदलने का इरादा कर लिया। फिर विश्वजीत को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाने लगी। उन्हें शूटिंग से पहले हर सीन के संवाद टेप पर रिकॉर्ड करके दिए जाते और विश्वजीत उनका रट्टा लगाते। विश्वजीत ने हिंदी बोलने की अच्छी कोशिश की। वैसे तो आखिर तक वे तस्वीर को तस्वीर ही बोलते रहे, लेकिन एक अंग्रेजी कहावत है कि कामयाबी से बेहतर कामयाब और कोई नहीं होता। यानी 20 साल बाद फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने विश्वजीत की हिंदी कमजोरी पर पर्दा डाल दिया। उनका शुमार हिंदी फिल्मों के कामयाब रोमांटिक हीरोज में होने लगा। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। फिल्म 20 साल बाद की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसका सस्पेंस फिल्म शुरू होते ही देखने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और क्लाइमैक्स तक बांध ही रखता है। रात का पुरअसर माहौल, महलनुमा हवेली, घुंघरुओं की पुरकशिश आवाज के साथ, जागीरदार का दलदल के आसपास ऊंची ऊंची उगी हुई कटीली घास में भटकना, और फिर अचानक लोहे के जगमगाते हुए लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ का जमींदार की गर्दन को दबोच लेना, यह हाथ जब जब पर्दे पर आता था फिल्म देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाती थीं। डायरेक्टर बीरेन नाग ने फिल्म के इस पुरअसर माहौल को बड़ी लगन से जमाया था। यह माहौल उस वक्त भी पूरी तरह बरकरार था जब चंदनगढ़ के जागीरदार घराने का आखिरी वारिस कुमार विजय सिंह यानी विश्वजीत अपने चाचा ठाकुर की मौत के बाद एक रात चंदनगढ़ पहुंचा। बोले जी, ठाकुर साहब की हवेली चलो। कोई परदेसी मालूम होते, सुना नहीं हवेली की तो सब जागीरदार कत्ल कर दिए गए। नहीं बाबू, इतनी रात को तुम्हें भी उस भूत बंगले में नहीं जाना चाहिए। मुझे जाना ही होगा। कुमार ये कहकर आगे बढ़ा ही था कि एक बग्गी उसके सामने आकर रुकी। मैं ऐन वक्त पर पहुंचा कुमार। डॉक्टर पांडे आप अभी तक चंदनगढ़ में हैं? आइए, मैं आपको लेने आया। बोले जी बाबू। सामान बग्गी में रखो। आइए चलिए। बग्गी चल पड़ी। कुमार और डॉक्टर पांडे के बीच जागीर और हत्याओं के बारे में बातचीत हुई। डॉक्टर ने बताया कि कुमार के दादाजी, पिताजी और चाचाजी की मौत इंसानी हाथों का काम नहीं है। आपके चाचाजी को यकीन था कि खानदान पर जरूर कोई ना कोई शराब है। वैसे तो उन्होंने खूनी को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए इनाम भी मुकर्रर किया था, फिर भी कुछ ना हो सका।
पुलिस अलग परेशान है। अच्छा डॉक्टर, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो? वैसे तो वसीयतनामे के मुताबिक जागीर मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन आपके चाचा जी की मौत से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद जागीर में से हिस्सा मांगने के लिए मोहन बाबू यहाँ आन पहुंचे। कौन मोहन बाबू? वही जिनके पिताजी का झगड़ा आपके दादाजी के साथ हुआ, लेकिन वो झगड़ा जागीर के सिलसिले में नहीं था, कुछ और ही बात थी। खैर छोड़िए इन बातों, मोहन बाबू गांव में क्या करता है ये भी एक पहेली है। वैसे तो उनकी टांगों में एक बीमारी है, लेकिन फिर भी सारा दिन बैसाखी का सहारा लेकर वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं हालात को देखकर मैं नहीं चाहता था कि आप लंदन से वापस आए, सचमुच यहां आपकी जान को खतरा है। डॉक्टर पांडे सोच में डूबे कुमार को हवेली पर छोड़कर चले गए और कुमार का सामना हवेली के पुराने नौकर लक्ष्मण यानी देवकिशन से हुआ। सब भाग गए इस हवेली से, नौकर चाकर मुंशी मुनीम सब डर के भाग गए। मैं भी भाग जाता लेकिन आपके आने से रुक गया। फिर वही कमरा, फिर जागीरदार, सब जागीरदार इसी कमरे में रहा करते थे। मेरे रहने का इंतजाम भी इसी कमरे में किया जाए। कुमार अभी बाहरों का नजारा कर ही रहा था कि राधा यानी वहीदा रहमान के आलाप की आवाज आई। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के, सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के।
कुमार ने बकरियां चराती हुई शोख और चंचल राधा को देखा तो पहली ही नजर में उसका जवान दिल उसके हाथों से निकल गया और उसने अपनी बंदूक दाग दी। गांव में तो बहुत बड़ा शिकारी आ गया, मारता है चिड़िया वो भी बंदूक से, फिर भी निशाना खाली। मार दो बेटा। चिड़ी मार साहब, अगर शिकार का इतना ही शौक है तो सामने जाके शेर मारो। तुम्हारी बंदूक की आवाज से डर के मेरी सारी बकरियां भाग गई, उन्हें इकट्ठा करके घर वापस कौन लाएगा? मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें सुना तुमने या नहीं? जाओ मेरी बकरियां इकट्ठा करके ला दो। जवाब नहीं साहब, बन गए तो हिंदुस्तानी ही नहीं समझते। हॉलो साहब, फाडू डूडू, स्क्रू तो ठीक है, अरे फिर भी खामोश, कहीं आदमी बहरा तो नहीं? अच्छा, मेरा नाम भी राधा है, बहरे को भी समझा सकती हूँ। ए बहरे। राधा ने देख बहरे को खूब समझाया, लेकिन जब उसे पता चला कि कुमार बहरा या अंधा नहीं है बल्कि उसे बेवकूफ बना रहा है तो राधा बौखलाकर भाग खड़ी हुई। कुमार खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसका मन खुशी से भर गया। मगर रात का अंधेरा फैलते ही ये खुशी गायब हो गई। हवेली में अचानक घुंघरू बजने लगे, एक औरत की दर्द भरी सिसकियां उभरने लगी। कुमार उस आवाज की तरफ बढ़ा, इतने में दीवार पर लगी एक देहाती औरत की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। जब आपके दादा साहब चंदनगढ़ के जागीरदार बने तो खेलना शुरू किया, गांव की बहू बेटियों की इज्जत आबरू से ही खेलना शुरू किया, लेकिन ये लड़की भाग गई। रामपुर गांव के मुखिया की ये लड़की इज्जत लुटने से पहले ही भाग गई। लेकिन हवेली से भागकर भी वो बच नहीं सकी, जागीरदार और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया। मासूम लड़की जागीरदार से अपनी आबरू बचाते बचाते गहरी खाई में गिर पड़ी। उसी दिन से चंदनगढ़ में एक खौफनाक प्रेतनी का जन्म हुआ। उस रात मुखिया राधे श्याम उस रात अपनी बेटी की इज्जत की भीख मांगने के लिए जब हवेली में पहुंचा, आपके दादा साहब ने उसे हंटरों से बहुत पीटा, बहुत पीटा। इधर रात को हवेली में ये सब हुआ और उधर सवेरे बातूनी राधा अपने चाचा रामलाल यानी मनमोहन कृष्ण से कहने लगी। वैसे तो चाचा तुम गांव के वेदराज हो, लेकिन 24 घंटे खांसते रहते हो। अच्छा हुआ मैं कभी नहीं बीमार हुई, अगर हो भी गई तो तुमसे इलाज नहीं कराऊंगी। अरे बेटी, ये तो बुढ़ापे की खांसी अब कहाँ पीछा छोड़ेगी। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी बिल्ली, तुम अपनी बीमारी नहीं पहचानते और ये अपने आदमी नहीं पहचानते। मुझे नीचे कर वरना खाना नहीं दूंगी। आती हूँ बाबा हूँ, जिसे मैं देखो वही चिल्लाने लगता है। राधा घर से निकली तो उसका सामना कुमार से हो गया। ये घर तुम्हारा है? पता लेकर आए हो और पूछते हो घर तुम्हारा है? मैं तो इधर पर तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं, ठाकुर साहब की हवेली में चलो, बराबर इलाज हो जाएगा। तो जाऊं? ए, रास्ता इधर नहीं उधर है। क्या इस गांव वाले प्यासे को पानी भी नहीं पिलाते? मुझे क्या सपना आ जाता कि तुम्हें प्यास लगी है।
न जाने कहां से आ जाते हैं। लो चाय पी लो। लो और लो। अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी। राधा कुमार की प्यास पर हैरान थी कि इतने में मोहन बाबू यानी सज्जन बैसाखियां टेकते हुए आ गए। जीते जी चंदनगढ़ के जागीरदारों की प्यास न आज तक बुझी है और न कभी बुझेगी। और ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये आपका कसूर नहीं कुमार साहब। खूबसूरती की पूजा करना तो आपके खून में। मोहन बाबू, मेरी खामोशी न आपकी आदतें बदल सकती हैं और न तत्तामला राधा का चाचा। अगर राधा को भगाने का इरादा हो तो बेशक रामलाल का खून करके। मोहन बाबू, लेकिन इसकी खांसी कम नहीं होगी, हर वक्त खांसता रहता है। मुझे आपके बात करने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं। ख्याल अपना अपना, पत्नी अपनी। मोहन बाबू, ये बातें चल ही रही थी कि वैद्य रामलाल घर से निकल आए। मोहन बाबू ने उनसे कुमार का परिचय करवाया तो वे बोले, आपने यहाँ आने का कष्ट उठा, मुझे हवेली में बुला लिया होता। आपके बाप दादा ने जो मुझ पर एहसान किए हैं मैं कभी नहीं भूल सकता। कैसे भूल सकते हैं? क्यों वैद्यराज, इनके चाचा जी की मौत के बाद भी आपको यकीन है कि ये काम किसी प्रेतनी का नहीं? मोहन बाबू, आप जितना चाहे मेरा मजाक उड़ाने, मगर मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहता हूं कि भूत प्रेत ऐसे खून कभी नहीं करते। मुझे तो ऐसा लगता है कुमार साहब, कोई बहुत ही होशियार आदमी प्रेतनी की आड़ लेकर ऐसे खून कर रहा है। मुझे तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप भूत प्रेत को नहीं मानते। मैं समझता हूं अगर घुंघरुओं का राज पता लग जाए तो मुश्किल है कुमार साहब, कुछ पता ही नहीं लगता। मैं आज ही रात को दलदल की तरफ जाऊंगा। आप भी वही गलती करना चाहते हैं जो आपके बाप दादा ने की। परेतनी की बात छोड़िए, आपके खानदान पर श्राप तो है। मरना तो है ही भैदराज। कुमार चला गया लेकिन राधा के दिल में प्रेम की ज्योत चला गया। अच्छा चाचा, जागीरदार लोग दलदल में उन तीनों पेड़ों के पास मरने के लिए क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं बेटी, ये बताना तो मुश्किल है। 9:30 बजे घुंघरू की आवाज इस पुरकशिश आवाज के साथ जागीरदारों की मौत का क्या ताल्लुक है ये बताना भी मुश्किल है। अच्छा चाचा, अगर कुमार रात को उन तीनों पेड़ों के पास मर जाए तो? मना तो मैंने भी किया था लेकिन उसने सुना। बेटी, जागीरदारों पर यही तो श्राप है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाचा रामलाल की बात राधा के मन को लग गई और फिर उस रात घुंघरुओं की आवाज के साथ एक दर्द भरा गीत भी गूंजने लगा।
इस आवाज के पीछे पीछे गाने वाली की तलाश में दलदल के आसपास भटकने लगा। गाने वाली तो नहीं मिली, लेकिन मोहन बाबू से उसका सामना हो गया। मैं जिसे मौत की पुकार समझा था, शायद उस प्यार की पुकार। मौत की पुकार हो या प्यार की, मरना तो दोनों में ही है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्रीतनी की आवाज है तो वो आपको खून होने वाली जगह पर क्यों नहीं बुलाती? और अगर ये प्यार का किस्सा है तो वो सामने क्यों नहीं आती? मामला गड़बड़ है। हौसले रखिए, वक्त आने पर आपको भी मालूम हो जाएगा। इसी दौरान इनाम के लालच में शहर से एक जासूस गोपीचंद यानी अशित सेन चंदनगढ़ की हवेली पहुंचा। एक रात अचानक उसकी आंख खुली तो उसने नौकर लक्ष्मण को हवेली की छत से जलती हुई कंदील हिलाकर दलदल की तरफ इशारा करते हुए देखा। गोपीचंद ने भागकर कुमार को इस बात की खबर दी कि खूनी का पता चल गया है। मेरे क्या? वो देखिए कुमार साहब। गोपीचंद जी, मैं दलदल की तरफ जा रहा हूँ, आप लक्ष्मण पर निगाह रखना। और फिर उस रात मौत ने अपना शिकार कर लिया। कुमार नहीं मार सकते, मैं नहीं मारती। कुमार नहीं मार सकते, मैं नहीं मारती। कुमार नहीं मार सकते, मैं नहीं मारती। मैं नहीं मारती, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मारती, ऐसा नहीं हो सकता। कुमार नहीं मार सकता। कोई आज मर गया है तो कोई कल मर जाएगा। कुमार साहब, आप अभी तक जिंदा हैं? दिखाई तो ऐसा ही देता है। क्यों? मैंने तो कुछ और ही सुना। खैर छोड़िए। राधा और कुमार का सामना हुआ तो कुमार बोला, राधा, जिसकी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं, उसकी मौत के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? मुझे क्या मालूम था आप मरे नहीं। अगर मर जाता तो तुम खुश होती क्या? राधा, जी चाहते हैं भगवान मुझे बहुत लंबी उम्र दे और मैं इसी तरह तुम्हें देखता रहूं, लेकिन शैतान से डरता हूं। डरपोक आदमी का जीना न जीना एक बराबर है। आदमी हिम्मत से काम ले तो उसे जिंदा रहने का रास्ता भी मिल जाता है और सहारा भी। करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजलिया, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ये गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम,
देखिए गुलाब की वो डालियां बढ़ के चूम लेना आपके कदम, खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। राधा ने पुराने मंदिर में दुर्गा माता से कुमार की जिंदगी का आशीर्वाद लिया और पूजा की थाली उठाए हुए दलदल की तरफ चल पड़ी। कुमार उसे देखकर चौंका और उसे हवेली में ले आया। ये खाली जगह देख रही हो राधा? आज नहीं तो कल यहां मेरी तस्वीर लगाई जाएगी। कुमार! मेरे सोचने महसूस में से क्या होता है राधा, जब मेरे कपड़े पहनने से ही एक आदमी मार डाला गया तो जागीरदारों पर जो शराब है उससे मैं कितने दिन बच सकता हूँ? अगर औरत की आह में इतनी ताकत है कि वो सारा खानदान लुटा दे तो औरत के प्यार में भी इतनी शक्ति है कि वो उस आह को ही जला डाले। राधा, इधर कुमार ने राधा को अपना जीवन साथी बनाना चाहा और उधर राधा के चाचा वैद्य रामलाल ने उस पर पाबंदियां लगा दी कि वो कुमार से नहीं मिलेगी। राधा का मन रो पड़ा। मेरी किस्मत के मुझे अश्क ही पीने को मिले, मेरे हिस्से में मोहब्बत का कोई जाम न था, है मोहब्बत मेरे दुनिया में तेरा काम न था, है मोहब्बत मेरी। राधा की ये तड़प वैद्य रामलाल से देखी नहीं गई। उसने राधा के आंसू पोंछने का फैसला कर लिया। तू जानती नहीं, तेरा सुख चैन
शांति खुशी यही मेरी जिंदगी की आरज़ू है बेटे। चाचा, चाचा। अच्छा बेटे, तू समझ ले मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। नहीं चाचा, नहीं। तुम दुखी चलते, मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे मालूम है, ये तुम्हारे दिल की बात नहीं है। है बेटी है, यही मेरे दिल की बात है। कुमार तुझे इज्जत से अपना ले, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। मुझे भी कुमार से एक बार मिलना चाहिए ना। अच्छा जा बेटा, कुमार को आज रात ही दलदल वाले मंदिर में भेज दे, ताकि उससे मिलकर मैं बात पक्की करूं। इसी दौरान गोपीचंद जासूस की मसखरी हरकतों से जहां ये राज खुला कि मोहन बाबू दरअसल सीआईडी इंस्पेक्टर हैं, वहीं हवेली में एक औरत शमादान लेकर चिल्लाते हुए भागी। मैं नहीं मांगती, मैं नहीं मांगती, मैं नहीं मांगती, मैं नहीं मांगती। ये लड़की कौन है? उस रात दलदल के पास जो आदमी मारा गया वो इसका पति था। मैं पूछ रहा हूं, ये लड़की है कौन? बहन, मेरी बहन, वो बहनोई जेल से भाग निकला, नहीं रखा मैंने उसे हवेली में, नहीं रखा वो दलदल में ही रहने लगा। मेरी बहन कहती थी उसे लालटेन से इशारा करो, पुलिस का डर ना हो तो वो उसे खाना दिया है। मैं कहता था उसे भगा दे, उसे दूर भगा दे, रोने लगती और हर रात तुम उसका मुंह बंद कर देते ताकि आवाज मुझ तक ना पहुंचे। पति के मरने की खबर सुनते ही वो पागल हो गए। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। पर है मेरे पति पर नहीं, इतने में घुंघरू की आवाज के साथ गीत की आवाज गूंजी। राधा की चीख थी, राधा कुमार के लिबास में थी, इसी कारण खूनी के हमले का निशाना बनी। खूनी राधा के सामने खड़ा था। राधा, तुम ही कुमार का खून करने आए थे। मांग भरने से पहले ही तुम मेरा सुहाग मिटा देना चाहते थे, लेकिन क्यों? क्यों? इसी कुमार के दादा ने अपनी वहशी प्यास बुझाने के लिए मेरी बेटी चंपा को शादी की रात जबरदस्ती उठवाई। और राधा, जब मैं तेरी बहन की इज्जत की भीख मांगने के लिए हवेली पहुंचा, तो ये आदमी के गुनाह के लिए तुम सारा खानदान मिटा देना चाहते थे। उस रात होश में आने पर जब मैं तहखाने से भागकर घर पहुंचा, अच्छा होता चाचा अगर उसी दिन मुझे भी मर जाने देते, तो आज मैं इस तरह तुम्हारे सामने ना होती। पता बेटी, कुमार कहाँ है? मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। भीख? मेरे लिए नहीं बेटी, अपनी उस बहन के लिए ही बता दे जिसकी आत्मा तड़प रही है कि कुमार कहाँ है। अगर इसी से मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलती है तो मेरी बलि दे दे चाचा। हर एक चीज की चिंता। चाचा और भतीजी में तकरार हो गई और भतीजी राधा ने गोली चला दी। तुम ना मरने के लिए क्यों है? एक लड़की से ज्यादा और क्या कर सकती? लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था,
लेकिन चाचा ने कहा था कुमार को आज रात दलदल वाले मंदिर में जरूर लाना, इसी उलझन को सुलझाने के लिए। आप कहाँ हैं कुमार? कुमार को मैंने सुरंग में बंद कर दिया है। कुमार की सुरंग में? उधर सुरंग में कुमार और खूनी रामलाल आमने सामने आ गए। तुम यहाँ? शायद भगवान की यही मर्जी है कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो। आप? हाँ मैं हूँ खूनी रामलाल। मैं ही प्रेतनी के बहाने आज 20 साल से दिल्ली के पांव में घुंघरू बांध कर उसे दलदल में छोड़ देता और घुंघरुओं की पुरकशिश आवाज सुनकर खबरदार। शायद खूनी रामलाल कुमार को निशाना बना ही देता कि इतने ही में पुलिस आ पहुंची। अपने आप को कानून के हवाले कर दो रामलाल। रामलाल कानून के फंदे से नहीं निकल सकते। रामलाल भागने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई और कुमार आज मैं राधा के प्यार के सामने हार गया हूं। कुमार, राधा राधा मुझे माफ कर दो बेटी। राधा चाचा। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर पांडे, मैं हमेशा आप पर शक करता रहा। आपकी जगह कोई भी होता डॉक्टर पांडे पर ही शक करता। दरअसल ये रात को दलदल में खूनी को पकड़ने के लिए घूमते फिरते थे। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल। कहीं दीप जले कहीं दिल। फिल्म 20 साल बाद ने अपनी रिलीज के साथ ही कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे और फिल्म ट्रेड के पंडितों ने इसे सिल्वर जुबली हिट करार दिया था। लेकिन ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि फिल्म आधी से ज्यादा बन जाने के बावजूद उसका बिजनेस नहीं हो पाया था। बैनर नया था, डायरेक्टर नया था, हीरो भी नया था और फिल्म एक अलग अंदाज की थी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म से कतरा रहे थे। कुछ दिनों के लिए तो एक बारगी प्रोड्यूसर हेमंत कुमार का दिल भी हिल गया कि जाने 20 साल बाद का क्या अंजाम होगा। लेकिन डायरेक्टर बीरेन नाग को पूरा इत्मीनान था और आखिर उनका आत्मविश्वास फिल्म की जुबली कामयाबी बनकर सामने आया। बीरेन नाग अच्छे आर्ट डायरेक्टर होने के साथ साथ अच्छे फिल्म डायरेक्टर भी साबित हुए। चंद मामलों में वे बड़े उसूल पसंद थे। एक बार जिस बात को फाइनल कर लेते थे उसमें दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मशहूर कैमरामैन तारुदत्त को बदलकर मार्शल ब्रेगेंजा को सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि तारुदत्त उन्हें बार बार टोकते थे और बीरेन नाग को यह पसंद नहीं था। 20 साल बाद की कामयाबी के बाद गीतांजलि पिक्चर्स ने बीरेन नाग की ही डायरेक्शन में फिल्म कोहरा बनाई। बीरेन नाग सिर्फ ये दो फिल्में ही बना पाए। जिंदगी ने उनसे वफा नहीं की। बीरेन नाग जवानी में ही इस दुनिया से चले गए। फिल्म 20 साल बाद की ज्यादातर शूटिंग सेट्स पर की गई थी। हवेली, दलदल, पुलिस चौकी, रामलाल का झोपड़ा, डॉक्टर का घर, रेलवे स्टेशन वगैरह तमाम सेट्स फिल्मिस्तान स्टूडियोज में लगाए गए थे। सिर्फ गीतों का फिल्मांकन
मुंबई के आसपास आउटडोर में किया गया और ये फिल्मांकन कैमरामैन मार्शल ब्रेगेंजा ने फिल्म के माहौल के मुताबिक इतना खूबसूरत किया कि आज तक उसके चर्चे होते हैं। हेमंत कुमार के मधुर संगीत से सजे शकील बदायूनी के मनमोहक गीत फिल्म की रिलीज से पहले ही अपना रंग जमा चुके थे और चारों तरफ गूंज रहे थे। हेमंत कुमार का संगीत फिल्म के मिजाज के मुताबिक था और आज भी ताजा जान पड़ता है। फिल्म की कामयाबी का सेहरा बेशक 20 साल बाद के संगीत को भी जाता है। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आई बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आई जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए जरा नजरों से कह दो जी साल बाद में वहीदा रहमान ने गांव की शोख चंचल अल्लड़ और बातूनी लड़की राधा के किरदार में जान डाल दी थी। विश्वजीत के साथ उनकी जोड़ी अच्छी खासी जमी। विश्वजीत को बंबई की हिंदी फिल्मों में जमाने का श्रेय भी बेशक इसी फिल्म को जाता है। फिल्म 20 साल बाद के साथ गोपीचंद जासूस का जिक्र भी जरूरी है। आशित सेन ने यह कॉमेडी किरदार इतना अच्छा प्ले किया कि इसका शुमार उनके यादगार किरदारों में होता है। बाद की कई फिल्मों और कहानियों में जासूसी का काम करने वाले किरदार गोपीचंद जासूस के नाम से जाने गए। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जासूसी टीवी सीरियल करमचंद का नामकरण भी गोपीचंद की धुन पर किया गया था। फिल्म 20 साल बाद में वैद्य रामलाल की भूमिका मनमोहन कृष्ण ने बड़ी खूबी से निभाई। ये एक अकेली फिल्म है जिसमें मनमोहन कृष्ण ने विलन का रोल किया, वरना वे हमेशा अच्छे आदमी का रोल किया करते थे। इनके अलावा सज्जन देवकिशन और मदनपुरी ने भी उम्दा किरदार निगारी की और अपना अपना रोल बखूबी निभाया। 20 साल बाद 1962 में रिलीज हुई थी। उन दिनों सिनेमा के पर्दे पर रंगीनी पूरी तरह उतरी नहीं थी, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ही शायद इस तरह के विषय के लिए ज्यादा मुनासिब थी। इसलिए आज इतने बरस बाद भी अगर ये फिल्म देखी जाए तो ताजा जान पड़ती है। लगता है आज रंगीन फिल्मों के युग में भी यदि 20 साल बाद को दोबारा बनाने की बात सोची जाए तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में ही बनाया जाएगा। कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख ले आकर परवाने तेरी कौन सी है मंजिल
कहीं दीप जले कहीं दिल। एक पुरानी फिल्म की बातें नए सिरे से आपने सुनी, फिल्म 20 साल बाद की बातें। आज का प्रोग्राम तैयार करने में जिनकी मदद ली गई उनके नाम हैं आशा साहनी और राजलक्ष्मी, और प्रोग्राम को आपकी खिदमत में हर शुक्रवार को पेश करते हैं लोकेंद्र शर्मा, और मैं करती हूँ इस पेशकश की अनाउंसमेंट। तो अब चूंकि प्रोग्राम पूरा हो चुका है, इसलिए सिर्फ इतना और अनाउंस कर दूं कि रेनू बंसल का बाय बाय बायोस्कोप की बातें।